जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दामोदराष्टकम का पाठ करेंगे। दामोदराष्टकम का पाठ जो भी भक्त बाल गोपाल की सेवा पूजा अर्चना इत्यादि करता है, उसे प्रत्येक दिन बाल गोपाल के स्वरूप को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए प्रत्येक दिन इसका पाठ या श्रवण करना चाहिए। दामोदराष्टकम का श्रवण भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, उनकी छठी, राधा अष्टमी इत्यादि में सुनने का अत्यंत महत्व बताया गया है। और कार्तिक मास में रोज प्रातःकाल की पूजा के समय इसका श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दामोदराष्टकम का पाठ। नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत् कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियोलोकलद्धौमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गुप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुः श्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितिग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेऽसि तज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं सतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेहं परेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य आविरस्तं किमन्यः इदं ते मुखाम्भोज अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलहि स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तम् अलं लक्ष्यलाभहि नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणे सिमामाक्यम् इत्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत्त्वयामोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदिरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् इति श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम्। ओम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, हमारे चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की राय को कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गा।